नमस्कार, आप देख रहे हैं NMK न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। डेढ़ साल तक घर में कैसे रखी रही लाश, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर करेंगे केस स्टडी। यूपी के कानपुर में एक परिवार डेढ़ साल से शव के साथ रह रहा था। इनकम टैक्स अधिकारी की मौत के बाद भी परिजन जीवित मान रहे थे। मृतक का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया जा चुका था। मेडिकल साइंस के लिए ये केस हैरान करने वाला है। मेडिकल कॉलेज अब इस मामले की केस स्टडी करेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डेढ़ साल तक इनकम टैक्स अधिकारी विमलेश की लाश को घर में छुपाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस लाश को निकालकर कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलेट हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने जांच कर डेढ़ साल पहले मौत होने का दावा किया था। मेडिकल कॉलेज GSVM कानपुर अब इस मामले में पूरे केस की स्टडी करेगा। मेडिकल कॉलेज के साइकेट्रिस्ट विभाग के हेड डॉक्टर गणेश का कहना है कि ये एक तरह से दुनिया का सबसे अनोखा केस है। पूरा परिवार एक ही तरह की सोच रखता रहा कि मरने वाला अभी जिंदा है, ये एक तरह की बीमारी है। डॉक्टर गणेश ने कहा कि ये मृतक के परिवार के लोग उसे जिंदा मानकर चल रहे थे, ऐसे में अब वो मानसिक रूप से व्यथित होंगे। उनकी निगरानी किए जाने की जरूरत है, वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर छात्र तो इस मामले को केस स्टडी के रूप में लेंगे ही, लेकिन ये केस सारी दुनिया के लिए स्टडी का केस बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि घर वाले लाश को गंगाजल से पहुंचते थे, विड्रॉल से पहुंचते थे, ऐसे में बॉडी मम्मी की तरह जरूर हो गई थी, लेकिन वो मम्मी नहीं थी, क्योंकि मम्मी का प्रोसेस ही अलग है। रोशन नगर निवासी विमलेश कुमार इनकम टैक्स में कार्यरत थे। उन्हें अप्रैल 2021 में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। अस्पताल की ओर से उनका डेथ सर्टिफिकेट भी दे दिया गया था। शव को घर लाने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। इस दौरान अचानक परिजनों ने ये कहकर अंतिम संस्कार स्थगित करा दिया गया कि मृतक को होश आ गया है। इसके बाद करीब डेढ़ साल से मृतक का शव घर के अंदर एक पलंग के ऊपर रखा गया था। परिजन लोगों से कहते रहे कि विमलेश कोमा में है, मगर जब आयकर विभाग ने जांच के लिए कानपुर के CMO कार्यालय को एक पत्र भेजा, तो शुक्रवार को मामले का खुलासा हो गया। लोगों को जैसे ही जानकारी हुई तो वो हैरान रह गए। पुलिस को लेकर स्वास्थ्य टीम घर पहुंची। परिवार ने उसे शव मानने से इनकार कर दिया और इस बात पर अड़ा रहा कि वो अभी भी जिंदा है।